आज हम बनाने जा रहे चावल का सीरा। सीरा हमने पहले भी डाला है, वो नमकीन था डायबिटीज वालों के लिए। आज हम मीठा सीरा बना रहे हैं। ये सीरा हिमाचल की रेसिपी है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसके लिए चाहिए 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी चीनी, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध जितना जरूरत होगी, 2 टेबलस्पून देसी घी। चावलों को पहले से 6-7 घंटे पहले भिगो के रखे हैं, हमने पहले से भिगो के रखा था। अब इसका हम पानी निकाल देंगे। अब मिक्सी का जार लेंगे, उसमें ये भीगे हुए चावल डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और चीनी डाल देंगे और इसको हमने ग्राइंड करना है। चावल और चीनी को हमने पीस लिया है, अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। अब गैस पे कढ़ाई रखेंगे, उसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून देसी घी और घी को अच्छे से ज्यादा गर्म होने दो। घी हमारा खूब गर्म हो गया, अब हम गैस को सिम कर देंगे और ये जो चावल का घोल है एक साथ हम सारा डाल देंगे इसको। अब इसको हम चलाएंगे, सेम प्रोसीजर है जैसे हमने नमकीन सीरा बनाया था, ऐसे ही सेम ये मीठा बनेगा। अब हम गैस को तेज करेंगे और इसको चलाते जाएंगे धीरे धीरे। ये हमारा सीरा सूखने लग गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही दूध डालना है और इसको धीरे धीरे चलाते जाएंगे। ये सीरा हमारा पकने वाला है, इसको 5 से 7 मिनट लगते हैं पकने में। सिम गैस पे ही हम धीरे धीरे इसको पका रहे हैं। जिन औरतों को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो उनके लिए तो ये दवाई का काम करता है, थोड़ा थोड़ा खाएं तो वो इनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सीरा हमारा पक चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमारा चावल का सीरा खाने के लिए तैयार है। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, इसमें ना कोई ड्राई फ्रूट चाहिए, ऐसे ही बनाएं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।